मेरे को लगता है ये गाय का गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, ये बॉली का नजारा, पूरा पानी ग्रीन ग्रीन हो रखा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज फिर से एक बार आ गए हैं नए एडवेंचर पे, और आज हम एक नए जगह पे आपको लेके जाने वाले हैं जहाँ हमें भी नई जगह पर रास्ता पता है, फिर भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोनू। हेलो। और हम लोग दोनों ही जाने वाले हैं आज, और ये सफ़र बहुत थोड़ा अजीब होने वाला है क्योंकि हमने इस रास्ते को पहले बार देखा है। देखिए गाइस, यहाँ पे रास्ता भी हमें नज़र नहीं आ रहा है। मुनू कहाँ से रास्ता दिखाओ तो गाइस, आगे चलते हैं, इधर रास्ता नहीं, चलिए आगे आगे। तो हमें बहुत खतरनाक जगहों से गुजर के जाना पड़ रहा है गाइस। रास्ता नहीं है, यू नो गाइस, यहाँ का रास्ता जो है बहुत ही खतरनाक है। अच्छा। तो गाइस अब हमें बहुत मुश्किलों से जाना पड़ेगा। ऐसे हम लोग जंगल झाड़ी में आ चुके हैं लगभग। वो क्या है ना गाइस, हमें बहुत मुश्किल से ये जगह मिला हुआ है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले, एक घंटे पहले बरसात हुई थी। तो हमने बहुत सोचा कि क्यों ना वीडियो बनाया जाए, तो हमने कैमरा उठाया और निकल गए। तो गाइस हम लोग देख सकते हैं, हम लोग आ चुके हैं पता नहीं कौन सी जगह पे। आगे औरत है, आगे जगह नहीं। और गाइस हम लोग आ चुके हैं पता नहीं कहाँ पे गाइस, ओ माय गॉड, ये अनजान जगह पे हमने आपको घुमा रहा है। उन्हों हम लोग कहाँ पे आ गए, तुमको कुछ अंदाजा है? हमें कोई अंदाजा नहीं है, जंगल में। जंगल मुझे भी लग रहा है, बट यू नो गाइस वो क्या है, अभी तो 4 बज गए हैं गाइस, पर ये वो बारिश हुई थी ना तो अभी बादल छाया हुआ है, इसलिए धूप नहीं है, इसलिए थोड़ा हमें दिक्कत झेलना पड़ रहा है। लेकिन मौसम बहुत ही प्यारा सा है, और इससे अच्छा क्या बात हो सकता है, जो बारिश हो गई और लगभग अभी खेती की जाएंगी फिर से, क्योंकि अगले बार की खेती तो बर्बाद हो गई थी सबकी। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं हम खुले मैदान में पहुँच चुके हैं, और यहाँ सिर्फ आस पास एक ही घर है, और पता नहीं उस घर में कोई रहता होगा कि नहीं रहता होगा, वो हमें भी अंदाज़ा नहीं है। और आगे हम अब और कितना आगे जाने वाले हैं हमें भी नहीं पता, क्योंकि रास्ता ना हमने देखा नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, क्या एडवेंचर होता है, क्या नया होता है। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं घर एकदम सुनसान एरिया लग रहा है, और मेरे को यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे कोई रहता नहीं है, और पता नहीं कौन सी मैं अनजान जगह पे आ गया हूँ गाइस। मुझे तुमको कोई भी अंदाज़ा है हम लोग कहाँ पे पहुँच चुके हैं? मुझे कोई अंदाज़ा नहीं लग रही है। तो हमें और देखना चाहिए गाइस और कहाँ कहाँ जगह है, क्योंकि वैसे ही निकल चुके हैं कैमरा लेके, हमें कुछ पता भी नहीं है, और सिर्फ दो ही लोग आए हैं ना। तो और देख सकते हैं गाइस बादल गड़गड़ाने की आवाज़, कभी भी बारिश हो सकती है। तो गाइस अभी हम लोग थोड़ा और आगे जा रहे हैं, क्योंकि हमारे सफ़र में बने रहिएगा, मज़ा आएगा थोड़ा। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं भारी मुश्किलों का सामना करते हुए हमें आगे जाना पड़ रहा है। और यहाँ पे गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं। तो गाइस आगे वहाँ पे गाइस हमें जाना है। और गाइस यहाँ पे लगता है हल्का कीचड़ टाइप का है, मिट्टी गीला है यहाँ पे, इसलिए हमें थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें देखना आराम से। हाँ यार भाई, ये पानी भी है गाइस यहाँ पे, तो मुझे पैंट ऊपर करना पड़ेगा तभी जा पाऊँगा, नहीं तो। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग पहुँच चुके हैं एक वीरान जगह हो पे। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, सही बोला मैंने कि यहाँ पे खेत जोता चुका है, लगता है अभी 5-10 मिनट पहले जुताया हुआ है। और वहाँ पे देख सकते हैं गाय है बहुत सारे। और गाइस पता नहीं हम लोग कहाँ अजीब जगह आ चुके हैं। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं अभी लगभग खेत जुता है, लगता है ना पूरा खेत अभी आज जुताई जाएगा। गाइस चारों तरफ देख सकते हैं हरा भरा खेती है,
वो देखिए गाइस, पूरा का पूरा खेत है गाइस, पूरा का पूरा। आज मैं भी आ रहा हूँ पहली जगह यहाँ पे ना, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, मन में एक्साइटमेंट भी है बहुत ज़्यादा, मज़ा भी आता है गाइस नई नई जगहों पे घूमना। तुम्हें घूमने मज़ा आता है? नहीं, बहुत मज़ा आ रही है, और आगे चलना चाहिए हम लोगों को। चलो देखते हैं गाइस, जब तक पानी ना बरसे तब तक हम लोग घूम सकते हैं, नहीं तो अगर पानी बरसना चालू हो जाएगी तब तो हम लोग घूम नहीं पाएंगे। मुन्नू, कुछ हमारी ऑडियंस के लिए कुछ बोलना चाहोगे? हम क्या बोलेगा, कुछ ही बोल सकते हैं हमारी ऑडियंस के लिए। ओ गाइस, यार देखो यहाँ का मिट्टी इतना गीला है कि हमें चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना, यहाँ पे लगता है ना काला मिट्टी है इसलिए, और चिकनी मिट्टी बहुत ज़्यादा है गाइस, हमें हमारी पैर जो है ना फिसल रही है, बाई चांस अगर हम लोग गिर गए तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और मुन्नू, लगभग हम लोग यहाँ से कितनी दूर आ चुके हैं? कम से कम 1 किलोमीटर आ गए होंगे। तो गाइस हम लोग 1 किलोमीटर यहाँ पे आ चुके हैं और हमें कुछ पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि ना हम लोग खेत खेत में चल रहे हैं। मुन्नू, इस साइड चलें कि इस साइड चलें? वो थोड़ा हरा भरा दिख रहा है, उधर चलते हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं, उधर चलते हैं। और गाइस अभी हम लोग चल रहे हैं उधर और देखते हैं क्या हमें नया चीज़ देखने को मिलता है, क्योंकि गाँव वाँव में ना घूमने में बहुत मज़ा आता है। वैसे तो बाहर शहरों में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ की ताज़ी ताज़ी हवा लेने में अच्छा लगता है ना उन्हें? या बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, इतनी अच्छी हवा। मन कर रहा है गाइस मैं अपना मास्क उतार लूँ, लेकिन गाइस मैं मास्क जो है ना फैशन के लिए पहनता हूँ, इसलिए नहीं उतार सकता। और गाइस हम लोग लगभग पहुंच चुके हैं, लगता है गाइस यार आज ही मतलब बारिश हुआ और अभी जुटा गया, और लगता है बीज बोना भी सब शुरू कर दिए, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा सूखा पड़ चुका था और सब लोग हार मान गए थे कि इस बार तो बारिश होगा नहीं, लेकिन इस बार हो गया भगवान की कृपा से और सब बहुत खुश है। ओह माय गॉड यार, यहाँ पे देख सकते हैं जंगली कुत्ते लोग बहुत खतरनाक होते हैं, उनसे हमें दूर ही रहना पड़ेगा। ओ गाइस यार देख सकते हैं यहाँ पर आसमान कैसा आपको दिख रहा है, लगता है बारिश हो सकता है क्या गाइस? और गाइस अगर बाई चांस अगर बारिश हो गई तो हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आसपास ना मुझे घर नहीं दिख रहा है। लेकिन गाइस यहाँ का जो स्काई का जो व्यू आ रहा है बहुत ही नाइस, देख सकते हैं आप लोग, ऊपर का जो बादल आया है चारों तरफ से बादल घेर चुका है। ओह माय गॉड गाइस, ये देख सकते हैं, ओहो गाइस देख सकते हैं, बहुत मुश्किल से हमें एक और घर मिल चुका है। और देखो गाइस, और यहाँ पे लगता है हाँ कुछ दो तीन घर मिले, और गाइस हमें एक बॉली मिल चुका है, नए एडवेंचर के लिए आपका स्वागत है। तो गाइस चलिए चलते हैं, मुझे चलो चलो जल्दी चलते हैं बॉली पे। पता है गाइस ये जो नई नई चीज़ें देखने में ना बहुत ही मज़ा आता है, यू नो बॉली ना बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि अगर जो एक बार गिरा तो बच नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर पानी जो है इकट्ठा किया जाता है इसलिए बहुत गहरा होता है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं बहुत नज़ारा अच्छा देखने को आपको मिलेगा, और ये देख सकते हैं बादल गाइस एकदम, मतलब कैसा यहाँ पे फील हो रहा है यहाँ पे। और ये हमारे पीछे देख सकते हैं आप, और यहाँ पे पेड़ पौधे एकदम हरे भरे हो रखे हैं, क्योंकि बारिश हुआ है ना, तो इसीलिए ना पूरा पूरा ग्रीन ग्रीन छाया हुआ है, ग्रीन लाइफ इज अ बेस्ट लाइफ गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, और आसमान भी ब्लू ब्लू हो रखे हैं। और गाइस अब हम जा रहे हैं घर, और देखते हैं मतलब गाइस वापस जा रहे हैं यू नो, और फिर देख सकते हैं यहाँ का व्यू, जाते जाते हम आपको कुछ दिखा के जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा ग्रीन ग्रीन छाया हुआ है, और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कुछ हमें अजीब चीज मिला, मेरे को लगता है ये गाय का गाइस यहाँ पे कंकाल दिख रहा है सर, आई मीन बहुत खतरनाक होता है ये हड्डी भी गाइस, बहुत खतरनाक चीज़ देखने को हमें मिल चुका है। मुझे थोड़ा
अजीब लगता है ये सब देख के। मुझे लगता है गाइस जब कोई जानवर वानवर मरता होगा तब यहीं उसे फेंक दिया जाता होगा इसी की वजह से। और गाइस देख सकते हैं हम लोग इसी रास्ते से कितनी मुश्किल से हम लोग आए हैं, कितना काला मिट्टी और कितनी चिकनी मिट्टी है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं ये बौली का नज़ारा, पूरा पानी ग्रीन ग्रीन हो रखा है क्योंकि पूरा पानी शायद जम गया होगा। और गाइस अभी हम लोगों ने बहुत मतलब वीडियो बना लिया, लगता है लेट हो जाएगा और मौसम भी थोड़ा बारिश वाला कर रहा है, मतलब आई मीन साफ़ हो रहा है लेकिन पता नहीं कब बारिश हो जाए, तो हमें वीडियो जो है कि बंद करना पड़ेगा यहीं से। तो बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।